कि वो हमारे घर में घुस के मार रहे हैं जी। तो ये गन्नमारे क्या कर रहे हैं हमारे शासक जी। इनको फौजियों को फुल ऑर्डर देना चाहिए कि तुम उनको घुस के घर में घुस के मारो जी। जी सर बिल्कुल है। ये कौन सा तरीका है जी किसी के घर में घुस के उसको करना? बिल्कुल गलत बात है बिल्कुल सर है? तो हम क्यों सो रहे हैं? फौजियों को ऑर्डर दो ना जी। बिल्कुल, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वहाँ का अपना रक्षा मंत्री हो, ये क्यों सोए हुए हैं जी सर? इनको फुल ऑर्डर देना चाहिए फौजियों को कि जैसे वो लोग यहाँ आके मारते हैं तुम भी वहाँ जाके मारो जी। बिल्कुल, तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? कि बदला लो जी और उनके घर में घुस के मारो जी। बिल्कुल सर, और आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा सर मैं, कि जो जो भी अटैक हुआ ये हमारे आतंकवादी हमारे भारतीय सैनिकों के ऊपर, तो आपने बताया कि सरकार से आप चाहते हैं कि घर में घुस के मारे उनको, तो ऐसी 300 धारा 370 जो हमारी जम्मू कश्मीर में लगी हुई है, खत्म करो ना, चाहते हैं वो खत्म हो। खत्म हो? बिल्कुल सर, जब हिंदुस्तान एक है, कानून एक बनाओ जी। बिल्कुल, सबको एक समान रखो जी। पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसका नाम नक्शे से मिट जाना चाहिए। कि क्या करना चाहिए अब सरकार को इसके अलावा जो घर में घुस के मारे? सरकार को टिट फॉर टैट, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था टिट फॉर टैट, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे जी। बिल्कुल, ये इनको करना चाहिए ना। और जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके घर वालों के लिए आपको क्या कहना होगा? उनके जो हर संभव हमसे संभव होगी मदद जी हम करेंगे, उनके साथ हम खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, और जो सरकार है उसके साथ भी खड़े हैं, लेकिन वो करे तो सही। आज के नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? जो क्या हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, हर बच्चा हर जवान ज़्यादा से ज़्यादा फौज में भर्ती हो और देश का नाम रोशन करे। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं और क्या कर सवे हाथ तो जब खून गर्म होता है ना, हो गया कर दिया जो कर दिया, जो टल गया तो टलते रहो जी। बिल्कुल सही बात है, है लाली लाली बात पकड़ा दिया चूसो और बैठे रहो। हमें लाली बात नहीं चाहिए, हमें उनका बदला चाहिए। बिल्कुल, बदला चाहिए, रिवेंज चाहिए। हाँ, ये सब कस्टम वालों का काम है जी, फौजियों का काम नहीं है जी। जी सर, फौजी तो अपनी मुस्तैदी कर रहे हैं। हाँ जी, हैं चंद लोग जो कुछ पैसे के लिए, हाँ जो होते हैं ना अपने ये एजेंट वगैरह होते हैं, वो पैसों के लिए कुछ कर देते रहो। ये कस्टम ड्यूटी वालों का काम है, तो उनको चेक करो ना, उनको क्यों नहीं बड़े अधिकारी ले लेते पैसे, क्यों नहीं एक्शन लेते आप उनका? कुछ भी, जब बीजेपी सरकार नहीं थी जी, कांग्रेस की सरकार थी जी, तब बीजेपी वाले बोलते थे कि हमारी सरकार क्या गिनती लगा रही है कि एक आतंकवादी आया, दो आया, तीन आया, हैं ऐसे ऐसे कैसे घुस गए हैं? तो भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा 300 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे आया, इसका जवाब चाहिए हमें। बिल्कुल चाहिए। और ये आतंकवाद अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से घुसा है, जो संसद में आतंकवादी घुसे थे जी। आया कैसे आतंकवाद, कैसे घुस गए संसद में, जबकि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब हैं, पूरी सिक्योरिटी संसद हैं, कैसे घुसे वहाँ, क्या गार्ड सो रहे थे, तो संसद में घुस गए। मुफ्ती मोहम्मद सईद जब गृह मंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर, उसकी लड़की महबूबा को किडनैप कर लिया। हाँ जी, हैं उसके एवज में 5 खुखार आदवाजे और पैसा जो उन आतंकवादियों ने मांगा, ये अपने जसवंत सिंह जी और एल के अडवाणी लेके गए और उसको लेके आए छोरी को, और उसके बदले में इन्होंने आतंकवादी को छोड़ा। अरे मर जाती तो एक ही मारती ना, इधर इनको मार डालता, क्या जरूरत थी उसको छुड़ाने की, ये कमजोरी किसकी? बिल्कुल, सारा का प्लान सरकार की, सरकार का है, सिस्टम का वो है। हवाई जहाज हैक हुआ था हिंदुस्तान का, उसमें शायद 136
पैसेंजर थे जी, बिल्कुल। उसमें आतंकवादियों ने ये कहा था अगर आप हमारी शर्तें नहीं मानोगे हम एक एक कर को के मुस्तक मार डालेंगे, और उसमें एक सरदार मारा गया था जी। एक को मारा था, जब ये सरेंडर हो गए एल के अडवाणी और ये जसवंत सिंह जी, उनके कहे अनुसार मसूद अजहर जी इनको छोड़ करके नोट वोट दे के आए जी, बिल्कुल हैं, और वो हवाई जहाज लेके आए। क्या जरूरत थी, मरते ना सबको, 136 ही मरते ना, इनको क्यों नहीं मारा, इनको क्यों छोड़ा, ये आज आज ये दुख पैदा कर दिया। मर जाते इनको तो खत्म करते तो आज ये पैदा ही नहीं होता ना आतंकवाद है, आगे रहकर तो आतंकवाद फैला रहे। और अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक टू हो है? सर्जिकल स्ट्राइक टू हो, ये कुछ नहीं है, खत्म करना, खाली दिखावा। मनमोहन सरकार में यूपीए सरकार जो थी जी, उसमें देखो आप 3% रोज आतंकी मरते थे, मोदी के राज में 2% मर रहे। अरे जब मनमोहन सिंह को कहते थे मन मोहन है ये, अरे तुम तो खुला बोल रहे हो ना, तो तुम क्या रो रहे, अरे वो 3 मारा तो तुम 5 तो मारो। इससे तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद को, जब हिंदुस्तान गुलाम था तब वो 5 अंग्रेजों को मारने के बाद में खड़ा करता था, कितने 5 अंग्रेजों को मारने के बाद, हाँ तो उससे तुम्हारे से तो वो अच्छा था जी, बिल्कुल। उसके पास तो कोई शासन भी नहीं था। ये बोलना चाहेंगे कि जो हमारे वीर शहीद हुए ना, उनसे एक ही विनती करता हूँ मैं अपने देशवासियों से कि ना जो पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी है उनको पकड़े और उनसे कड़ी से कड़ी सजा दे, और अब जो भी भर्ती निकलेगी उसमें हम भी फॉर्म भरेंगे और हम भी अपने पाकिस्तान है जो अपने भाइयों का बदला लेंगे। बिल्कुल, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या हो? सरकार से चाहते हैं कि फौजियों को बिल्कुल और खूब खुला में छुट्टी दे दे कि वहाँ जाके उनसे हमला करें और अपने भाइयों का बदला लें। और अगर हम बात करें CRPF जो हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल रिजर्व सिक्योरिटी फोर्स है, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो उसकी सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बढ़ानी चाहिए उनकी सिक्योरिटी? नहीं, बढ़ानी चाहिए उनकी सिक्योरिटी जी, बिल्कुल। नॉर्मल अगर हम देखा जाए तो USA और इस आर्मी के लिए है ना हवाई पूरी वो होती है हवाई सुविधा, तो उस हमारी आर्मी को भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए। और क्या, हमारे आर्मी को भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए ताकि कोई अगर हवा से आ रहे तो उनको भी वहाँ से देख सकते हैं, और कुछ भी जो मतलब कि पाकिस्तान ने जो कर रखा है ना उनकी वजह से ना अपने देश को बहुत कुछ हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान का सारा कुछ बंद कर देना चाहिए।